हाँ, एक्सेलेंट मूवी है। यहाँ फिल्म बहुत ही अच्छी है। बाला साहब ठाकरे के ऊपर है, जो उनकी रियल स्टोरी है, जो भी उन्होंने रियल काम जो किया था वो बताया गया है। अच्छे लगे ठाकरे साहब के बारे में जो लोग बोलते थे ना, ये पिक्चर ने पूरा उसको साफ कर दिया है। वैसे मतलब उनके बारे में लोग कुछ सोचते थे, कुछ दिमाग में रखते थे ना, ये पिक्चर ने पूरा क्लियर कर दिया। पिक्चर तो बहुत अच्छा लगा। बाला साहब ठाकरे ने जो अपना काम किया था हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे सभी देशभक्तों के लिए, उस पिक्चर में वही तरह दिखाया गया है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और बहुत ही अच्छी पिक्चर है, लोगों के लिए मैसेज है। ओ नवाजुद्दीन, ही हैज़ वर्क सो वेल, आई मीन एज अ एक्टर ही हैज़ डन सुपर्ब जॉब, एज यूजुअली इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट एज बाला साहेब ठाकरे उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही, उन्होंने बहुत ही उमदा तरीके से दिखाया है। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो बाला साहब ठाकरे का जो लुक दिया है, उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। बहुत अच्छी पिक्चर, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बहुत अच्छा काम है, एकदम फेस उनका मैच कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे रिटर्न आ चुके वापस, हमको लगा ही नहीं कि हमारे पास से बाला साहब ठाकरे गए कहीं पर। ऐसा लग रहा है कि है और रहेगी हमेशा, और उनका काम तो ऐसा लग रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं, बाला साहब ठाकरे बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे। हिस्ट्री है शिवसेना का, या फिर बाला साहेब ठाकरे ने कैसे मराठी सोसाइटी पीपल्स के लिए काम किया, तो वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। हमारे नवाजुद्दीन साहब ने एक अच्छा काम करके दिखाया है। एंड अमृता राव जिन्होंने माँ साहेब का जो रोल प्ले किया है, शी हैज़ ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब, डन अ वेरी गुड जस्टिस टू इट। मैं 5 स्टार देना चाहूँगा सर। 5? मैं तो 4 स्टार दूंगा उसके लिए। 5 में से 4 देना चाहिए, इसको 3 स्टार दे। उन्होंने एक डायलॉग बोला है, बहुत प्यारा डायलॉग बोला है, बोले जिस कलर की गोली मुझ पर चलेंगी वो कलर ही हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा।